स्वागत है आपका, बहुत बधाई। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल्ली से ही हैं, भले ही पंजाब भी देख रहे थे, गुजरात भी देख रहे थे, दिल्ली से ही हैं। जो नीचे की एक लड़ाई थी, जो आप कह सकते हैं बेसिक लड़ाइयां होती हैं, चाहे वो नाली की हो, पार्क की हो, लाइट्स की हो, छोटे छोटे इश्यूज थे, बीजेपी बार बार कह रही नहीं साहब हमने काम किया है, सारे एमपीज हमारे, लेकिन उसके बाद भी सेल थ्रू कैसे किया आम आदमी पार्टी ने, रणनीति क्या थी आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिखाया, कमाल कर दिखाया। और दिल्ली वालों ने जैसे दिल्ली सरकार की चाबियां अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी थी, वैसे नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपने का काम किया है। और एक मैसेज, एक संदेश बहुत बड़ा दिल्ली वालों ने दिया कि हम दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देते, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। हम दिल्ली वाले काम करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, बदनाम करने वालों को नहीं देते। बीजेपी ने 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री उतारे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उतारे, 100 से ज्यादा सांसद उतारे, पूरा बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन, आरएसएस का राष्ट्रीय संगठन लगा, और इसी के साथ साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारी चीजें झोंक दी, सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनकी सारी साजिशें फेल कर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को दिया। और एक बड़ा मैसेज ये दिया कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, नेगेटिव पॉलिटिक्स की इस देश में कोई जगह नहीं है, सकारात्मक बातें हों, मुद्दों की बातें हों, दिल्ली को साफ बनाना, सुंदर बनाना, स्कूल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें हों। और वही दिल्ली वालों ने कर दिखाया, और एक बार फिर से अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी। थोड़ा 15 दिन थोड़ा पीछे ले जाता हूं, वीडियोज आए, ऑडियोज आए, आरोप लगे, और दूसरी तरफ वो कूड़े वाला पहाड़ भी था, यमुना का भी इश्यूज था, तो ये सारे इश्यूज के बीच में आम आदमी पार्टी कैसे आगे निकल गई? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी बात करती है, मुद्दों की बात करती है। हमने सीधी बात करी दिल्ली वालों से, उनको कहा कि एक तरफ बीजेपी रोज 10 नए आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी, 10 फर्जी वीडियो जारी करती, और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी 10 बड़ी गारंटियां कर रहे हैं। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। आप इन गारंटी को चुन सकते हैं या बीजेपी के 10 आरोपों को चुन सकते हैं। लोगों ने केजरीवाल जी की गारंटी चुनी, और लोग अब पॉजिटिव राजनीति चाहते हैं। अगर देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाना है, तो सबको साथ आकर सकारात्मक काम करने होंगे। आज बीजेपी ने जो नकारात्मक राजनीति करी है, उसका सफाया दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया है। और एक एक ईमानदार पार्टी, एक पढ़ी लिखी पार्टी और एक ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी को फिर से एक बहुत बेहतरीन और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने दी है। ठीक है राघव जी, 2 बड़ी प्रायोरिटीज क्या होंगी जो आपको लगता है मेयर बनने के बाद आप लागू करना चाहेंगे दिल्ली एमसीडी में? 2 बड़ी प्रायोरिटीज आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई, जो नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी, दिल्ली को साफ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, लेगेसी वेस्ट को ट्रीट कर एनवायरमेंटली डिस्पोज ऑफ करेंगे, नया वेस्ट जो रोजाना 15,000 मेट्रिक टन दिल्ली में जनरेट होता है उसको सही ठिकाने लगाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और दिल्ली को एक साफ सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजधानी बनाएंगे। और इसी के साथ साथ नगर निगम के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। आज लोग एमसीडी को कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, व्यापारियों की जिंदगी आसान करेंगे। व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण पार्षद और नगर निगम मिलकर करता है, हर चीज पे पैसे, लेंटर डालने से लेकर दुकान चलाने तक पे पैसे, वो सारी चीजों से व्यापारियों को राहत देंगे। ये 3-4 बड़े मुद्दे, बड़े काम शुरुआत में करेंगे, और 5 साल में दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है राघव जी, ये जो एग्जिट पोल्स थे, चाहे वो हम अपनी बात करें या कोई भी एग्जिट पोल्स की आप बात करेंगे, तो उसमें एक एक बड़ा मार्जिन दिखाया गया था, लेकिन जो रिजल्ट है, हालांकि अवेटेड है, उतना मार्जिन दिखा नहीं। हालांकि जीत जीत होती है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, लेकिन उसके बाद जो मार्जिन दिख रहा था उतना, बीजेपी कह रही उतना नुकसान हमको हुआ नहीं है, 31 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हम 100 के आसपास है। देखिए, क्या है कि जब बच्चा हर बार एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर लाता है तो आदत हो जाती है 90% से ऊपर नंबर देखने की, फिर कभी एक एग्जाम में वो 80% ले आए तो हम कहते हैं अरे ये तो नतीजे खराब आ गए, 90 ही आने चाहिए थे, 95 ही आने चाहिए थे,
तो हमें भी वही रोग हो गया है, हमें लगता है हर बार 95% नंबर आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वैसी ही चीज आज आप भी बात कर रहे हैं, हम भी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक बेहतरीन जीत, एक शानदार जीत, एक बहुमत का आंकड़ा से आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनने जा रही है, ये आज बड़ा मैं कहूँगा मैसेज है, एक संदेश है यहाँ से। और सीधी टक्कर में बीजेपी को सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी ने दी, सत्ता में बीजेपी थी और बीजेपी को सत्ता में रहते हुए हराया, सत्ता से उखाड़ा और अपनी सरकार बनाने का काम किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल जाने से पहले राघव भाई आपसे, क्योंकि आप पंजाब में भी थे, हिमाचल का भी चुनाव हुआ, गुजरात में भी आप बहुत एक्टिव थे, कल रिजल्ट्स आने, ये दिल्ली का रिजल्ट्स था हालांकि ये दिख रहा था, हिमाचल और उसके बारे में अगर कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहें गुजरात के बारे में, क्योंकि गुजरात में भी ठीक ठाक मेहनत आप लोगों ने करी है। कल नतीजे आएंगे, कल नतीजों के बाद आपसे विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं गुजरात का सह प्रभारी था, व्यक्तिगत तौर पे गुजरात के चुनाव में हिस्सा लिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेहतरीन नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल जितने आंकड़े दिखा रहे हैं उससे कहीं बेहतर आएंगे, और पूरा गुजरात एक 27 साल पुरानी भ्रष्ट अहंकारी सरकार से बदलाव चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी उस परिवर्तन का नाम, उस परिवर्तन का चेहरा बनकर उभरे हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, बेहतरीन वोट शेयर मिलेगा, आपको हम कल इस बारे में विस्तार से बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, नतीजे जो भी हो, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, कल के नतीजे के उपरांत आम आदमी पार्टी देश की एक बड़ी फोर्स, एक लीगली डिफाइंड जो कहते हैं नेशनल पार्टी बन जाएगी, और आने वाली जो देश की राजनीति है, जी मेरा अपना मानना है, जैसे दिल्ली को इन्होंने राष्ट्रीय चुनाव बना दिया नगर निगम को और सीधी टक्कर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी हुई, वैसे ही देश की राष्ट्रीय राजनीति भी अब बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होती मुझे नजर आ रही है। ठीक है राघव भाई, क्योंकि अब आपने छेड़ दिया इसलिए एक सवाल और पूछना पड़ेगा, मैंने पूछा नहीं था कोई सवाल, कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में है और विपक्ष की आपने बात करी, कहा विपक्ष वाला स्थान भी अब हमको मिल जाएगा और विपक्ष का चेहरा अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, तो कांग्रेस के साथ कोई साठगांठ होगी कि नहीं होगी? आज नगर निगम का चुनाव के नतीजे आए हैं, विस्तार से राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं बस आज आपको इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ना ही इस देश को कोई भविष्य दे सकती है और ना ही कांग्रेस का कोई अपना भविष्य बचा है। कांग्रेस क्या ही किसी को समर्थन देगी और क्या ही किसी से समर्थन लेगी। आज जितने भी लोग पहले गैर भाजपा राजनीतिक दल को वोट डालते थे वो सब आम आदमी पार्टी की ओर आ गए हैं, जो बीजेपी को वोट डालते थे उन लोगों ने भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, सारे लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है, देश हित में सोचती है, इसीलिए आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर बन सके।